नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो आज है दोस्तों आप लोगों का 5 सितंबर, और एक भाई का जो है कल सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उनके एक्सपीरियंस को पूरा ध्यान से सुनिएगा। और ये भाई क्या है, क्वालिफाइड हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो कम क्यों आ रही है। दोस्तों, एमसीजी डिफेंस एकेडमी पर ही मैं वीडियो डालता हूँ, इस कारण से यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप जो है चैनल पर विजिट करोगे तो आप लोगों को नीचे वो चैनल ही मिल जाएगा, ओके। और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करते हो एमसीजी डिफेंस एकेडमी तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों को उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यान से जरूर सुनना है। सुनिएगा इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यान से। नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर, आपका जो ट्रेड टेस्ट हो गया, सर आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने भाइयों के साथ, तो बताइए सर किस प्रकार से क्या क्या हुआ। सर सर एक एक चीज क्लियर करना, जिससे क्या है कोई डाउट ना रह जाए बंदों को। सर मेरा कल क्लियर भी हो गया है, कल हम लोग मतलब 19 सर के पास हुए थे। किस डेट में हुआ था आपका क्लियर है? सर कल हमारा ये सर 3 तारीख को हुआ था। हाँ सर, सर हम लोग 19 सर के पास हुए थे, पूरा 5 तारीख को में। बताइए सर, 5:30 सर 5:30 की एंट्री लिया हम लोगों को। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? सर कहाँ के रहने वाले हो? तो वहाँ पे सर दो काम किए जा रहे थे, पहला रोटी कुदवाने का, 1 मिनट में लगभग 2 आटे की लोई लगानी थी। और उसमें सर 20 में से 2 लड़के, 1 लड़का ऐसे पास कर रहे थे, और कुछ बैच थे सर पूरे खाली निकल गए, किसी को भी नहीं पास किया। तो सर उसका पास होने के बाद हम लोगों को मतलब आगे प्रोसेस किया, और हम लोग को बताया कि आप लोगों को एक घंटे कॉम्प्लीट बनाया है, फिर से बैच बना दिए गए सबके। 500 में से 54 लड़के पास हुए थे, 54 लड़कों को 9-9 की बैच में बांट दिया। हम लोग नॉर्मल वही गैस वाली गैस दिया था, सिंगल बर्नर वाली गैस और सिलेंडर, वहाँ पे जरूरत से सारा सामान रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि आपको जो भी इच्छा करे वो आप उठा करके बना सकते हैं, और अपना हम चेक करेंगे कि आपने क्या क्या सामान उठाया और कितना यूज किया, कितना सामान आपने फेंका। उसके बाद उनका मतलब दोनों तरफ से अच्छा से ठीक होना चाहिए, जला नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ये सब हुआ। फिर सर हम लोग का मतलब क्लियर हो गया, तो सर हम लोग में सिर्फ 1 लड़के को पास किया था मुझे मेरे बैच में। हाँ सर, तो सर हम लोग का वो भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिले हैं, मेरा जनरल कैटेगरी था तो मेरा कुछ लगा ही नहीं, सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट लगी और सर वेरिफिकेशन हो गया। ये सर यही सब हुआ था वहाँ पे, लगभग शाम को 6:30 बजे थे छूटते छूटते। 6:30 बजे छूट गए? जी सर, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 6:30 बजे तक हम लोग को फ्री कर दिया था। आप जी बताइए सर, के पहले बैच में क्या करवाया गया था? सर सबसे एक ही काम, पहले आटा लगाओ, पहले स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में 1 मिनट में आपको लोई लगाने थी 2 आटे की। उसके बाद मेन ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में नंबर दे रहे थे, स्किल टेस्ट में बस जो लड़का पास हो रहा था उसको आगे एक प्रोसेस के बढ़ा दे रहे थे। स्किल टेस्ट में पास होने के बाद ही ट्रेड टेस्ट हो रहा था। स्किल टेस्ट ये था कि आपको 1 मिनट के अंदर टोटी लगी लोई लगानी आटे की, ये स्किल टेस्ट था। ट्रेड टेस्ट में आपको थाली दे दी जाएगी, सामान दे दिया जाएगा, आपको जो मर्जी है वो उठाइए बनाइए, और उसके हिसाब से हम देखेंगे आपने कौन से मसाले लिए, क्या सब्जी लिया, क्या इंग्रेडिएंट लिए उसमें डालने के लिए, कितना इस्तेमाल किया, कितना बचाया, अंडा गोल है कि नहीं, और अपना डेस्क तो नहीं किया है, दोनों तरफ से सीखा हुआ है बराबर, ये सब देख करके सब नंबर दे रहे थे। तो मीन्स जो फर्स्ट राउंड में था स्किल टेस्ट, उसमें मतलब क्या क्या सामान था सर? स्किल टेस्ट में सिर्फ आपको रोटी का आटा लगाना है बस। सामान क्या क्या उपलब्ध था मतलब वहाँ पर? सर सामान आटा और एक थाली था, थाली के अंदर आटा रखा हुआ था और अपना 1 गिलास पानी बस, और कुछ नहीं। नहीं सर, सबसे एक ही काम मतलब रोटी लगा, उसके बाद जब पास हो जाओ उसके टेस्ट में 20 में से 1 लड़का या 2 लड़का पास कर रहे थे। और उसके बाद जब 1 लड़का पास करने के बाद सारे बैच में देख रहे थे 54-55 लड़के हैं, तो उनका सर स्किल टेस्ट के बाद अपना ट्रेड टेस्ट करा लिया, अपना उन्होंने बनवा लिया अंडे बनवा लिए, हम लोग ऑमलेट बनवा लिया। सबसे पहले तो मुझे ही देखते हैं कितने बच्चे पास हो रहे हैं। हाँ सर, अब इसके टेस्ट होगा मतलब पर डे लगभग इतने ही पास हो रहे हैं, 18 लड़के, 19 लड़के, 20 लड़के ऐसे 500 में से।
सर आपसे एक जानकारी लेनी थी मुझको। सर हाँ सर जानकारी मुझे ये लेनी है कि जो टेस्ट टेस्ट हम लोग का हो रहा है आरपीएफ एक्सीलेंसी का ग्रुप एफ वालों का सरायरोजा दिल्ली में, वो सर कितने दिनों तक चलेगा? शुरू तो 26 से हुआ था लेकिन और कितने दिन तक चलेगा सर? 25 तक चलेगा जी, 25 तक। 25 तक? हाँ सर। अच्छा जी, 25 तारीख को मतलब 25 सितंबर तक। हाँ सर। अच्छा जी सर, धन्यवाद। सर आप जी बताइए, अब सेकंड राउंड में आपने क्या बनाया था? ऑमलेट बनाया सर। सर आमलेट का क्या प्रोसेस, मतलब क्यों क्या है, बंदों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होना चाहिए तो उनको पता होना चाहिए कैसे बनाना है चीज। सर ऑमलेट जैसे भी बनाए पर हिलना नहीं चाहिए, मतलब हल्का सा जो लाल हो जा रहा है तो मान लेते हैं हिला है, अच्छे से बस सिकाओ पकाओ, हल्का व्हाइट भी हो तो भी चलेगा, बस अंडा टूटा ना हो, गोल होना चाहिए, टूटने पर भी रिजेक्ट कर देते हैं, टूट गया तो रिजेक्ट है, जल गया तो भी रिजेक्ट है, फिर खा करके वो टेस्ट वाकई में नमक मिर्च सब बराबर पड़ा है और थाली में आपने कुछ सामान छोड़ तो नहीं दिया, मतलब आपको डालना है सिर्फ आधे का आधा टमाटर आपने पूरा उठा लिया, प्याज डाला थोड़ी सी पूरा टमाटर काट प्याज बराबर कर दिया, मसाले ढेर सारे उठा लिए जिसकी जरूरत भी नहीं है, अच्छे मसाले उठाए तो उसमें डाले भी नहीं, आप आधे थाली में रखे हैं, मतलब कितना खाना उठाया, कितना इस्तेमाल किया, कितना कूड़े में जा रहा है, ये सब चीजें भी देख रहे हैं। हाँ जी, और ये भी देखते हैं अंडा का जब छिलका था जो होता है सेल छिलका जो होता है वो लाना चाहिए मोड़ के, वो आ जाए तो भी गड़बड़ है। ये भी आपको कहना चाहिए सर। और कुछ खास वहाँ पे देखा नया चीज जो मतलब बंदों को इफेक्टिव, मतलब अच्छी, मतलब कुछ नया जो बंदों को हेल्पफुल रहे? ऐसा नया कुछ ना दिल्ली का बस यही काम है, उससे पहले भी जितने भी हमने वहाँ पे जितने भी स्टाफ के तो मैंने पूछा सर पहले हम लोग से पहले क्या हुआ, कहने लगे 500 में मुश्किल से 15-20 पास हो रहे हैं और यही काम हो रहा है, फर्स्ट होगा आपका स्किल टेस्ट, इसमें आपको लिपि लगानी है, सेकंड होगा ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में आपको नंबर मिलेंगे, स्किल टेस्ट में नंबर नहीं थे, ट्रेड टेस्ट में नंबर था कि आपने क्या सामान उठाया, कितना इस्तेमाल किया, कितना फेंका, कितना बचा, कैसा बना है, तो कितने नंबर मिले सर आपको? सर नंबर नहीं बताए वो, सब अपने कॉपी में नोट करके रखे रहे, हम लोग को 5 चैप्टर बताया तो कह रहे कि तुम लोग जाओ डॉक्यूमेंट रख ले, तो सर यही सब बता रहे थे और कुछ बता रहे थे, बाकी नंबर किसी को ये नहीं बता रहे, बाकी बोर्ड का जो भी होगा आपका मेरिट आएगा, उसमें आपका मेडिकल में नाम आएगा तो आप मेडिकल देना अपना। हाँ जी सर मेरा हो गया, मैं सर अपने ग्रुप में सिर्फ अगले एक लंबा जनरल कैटेगरी था, बाकी सब ओबीसी या एससी एसटी थे। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ होगा सर? हाँ सर डॉक्यूमेंट मेरा हुआ ना, मैंने बताया ना मेरा जनरल कैटेगरी से था तो मेरा निवास, मेरा जाति नहीं लगना था, निवास नहीं लगना था, आधार के लिए आधार नंबर पहले से अपना एडमिट कार्ड पड़ा हुआ था, वहाँ तो उन्होंने अच्छा लगवा करके वेरिफिकेशन कर लिया और डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरा हाई स्कूल लगा था, मेरा जनरल कैटेगरी से कास्ट सर्टिफिकेट लगा ही नहीं था। हाँ तो इस कारण से आपका कोई डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं हुआ ना? कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, सिर्फ हाई स्कूल का मार्कशीट लगा, आधार भी नहीं मांगा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने थम लगवाया, आधार नंबर एडमिट कार्ड में पड़ा हुआ था, 5 समय करा लिया, बस वेरीफाई हो गया। हाँ सर। सर आप कुछ कहना चाहते हो सर अपने भाइयों से, मतलब कुछ मोटिवेट? भाइयों से ये कहूंगा दलालों से सावधान, मतलब वहाँ पे दलाल के सब काम है, इनको कोई बोल रहा है कि अगर आपको पैसा ले करवा देगा तो झूठ बोल रहा है, सिर्फ आपको फंसा रहा है, अभी दलाल ऐसा कोई चीज नहीं हो रहा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस है तो जरूर निकल जाएगा, और कंपटीशन थोड़ा टफ है क्योंकि उनको कुल मिला के 20 लड़के ही पास करने हैं तो रिजेक्ट तो करेंगे, ये तो पक्की बात है, तो आप अपना बढ़िया रखोगे कोई नहीं कर सकता, टोटल 20 लड़के पास करने हैं उनका एक टारगेट है। हाँ सर 20 लड़के पास करने हैं उनका यही टारगेट है, ग्रुप एफ में 102 वैकेंसी है, इसमें 54 जनरल का है, 27, 28 और ऐसे करके वैकेंसी है, 102 टोटल ग्रुप एफ की बॉर्डर कैरियर की, तो सर उनको एक दिन में मुश्किल से 20-22 ऐसे ही पास करने, ज्यादा पास भी नहीं करने, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ नहीं करेंगे से तो सबको पास कर थोड़ी कर सकते हैं, उनका भी एक टारगेट होगा कितने लड़के पास करते हैं वैकेंसी में। बिल्कुल 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 बस सर यही हुआ था और कुछ नहीं। और कुछ आप कहना चाहते हो? बस सर मैं यही बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ये आप भूल जाए कि दलाली हो रही है या धांधली हो रही है, उन्होंने टफ रखा है लेवल, टफ नहीं रखेंगे तो लड़के रिजेक्ट कहते होंगे, कुछ लड़के आए थे जिन्होंने आटा कभी बनाया नहीं ले की तरह बना दिया था, तो उसको बहुत गुस्सा रहे थे, हाथ अगर कट गया आपका गलती से भी तो आपको ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या परफॉर्म किया है कैसा बना है, तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, हाथ कटना नहीं चाहिए। हाथ क्यों कटेगा? अरे सर प्याज काटते वक्त मेरे सामने एक लड़के का कट गया था हाथ, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसका जबकि ऑमलेट अच्छा बना था बट हाथ कट गया, तो हाँ तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि पूरा हाथ कर दिया तुमसे, एक अंडे का ऑमलेट हाथ कर दिया तुम खाना क्या बनाओगे, इस प्रकार से बोल दिया। बिल्कुल सर हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूरा उसको मेडिकल फैसिलिटी दी लेकिन फिर सर उसे पास नहीं किया,
उन्होंने बोला कि तुम्हारा एक प्याज टमाटर काटने में हाथ कटा जा रहा है, फिर तुम आगे क्या करोगे? बिल्कुल इनका भी कहना सही है सर, कि तुम्हें आधे का आधा प्याज काटना था और उसमें भी तुम्हारा हाथ जला जा रहा है, कटा जा रहा है। तो सर उनका चाकू बहुत साफ होता है, जो घर में यूज करते हैं उससे बहुत चाकू बहुत तेज चाकू होता है सर। ये सब चीजें तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, मतलब बताइए किस प्रकार के सामान थे, ये सब चीजें तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, बताइए ना सर। क्या बताए सर? यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब किस प्रकार के औजार थे, क्या क्या सामान थे आप हर बार? सर वहाँ पे एक ही चीज खतरनाक है, वो है चाकू। चाकू का बहुत तेज है, चाकू से हाथ थोड़ा संभाल करके ही काटने का वहाँ पे। बाकी आपको तावा जैसे आप घर में यूज करते हैं वैसे नॉर्मल तावा है, जैसे आप घर में गैस यूज करते हैं वैसे गैस है, आपकी फिंगर बर्नर की गैस है, सब कुछ है, आपको गैस जलाने में दिक्कत नहीं होगा। आपके पहले की वीडियो मैंने देखी, आप बता था भट्टी, लेकिन वहाँ भट्टी कुछ नहीं था, वहाँ सिर्फ गैस है, आप नॉर्मल आसान है बिल्कुल, किसी में कोई दिक्कत नहीं। ऑमलेट बनाने में कोई जल्दी नहीं है, आप अपना बना करके खाओ, बढ़िया बना है, बस इतना देख रहे हो। हमको तो बना हुआ चाहिए बस। हाँ उनको बढ़िया बना होना चाहिए, आपको जलाना हो गोल होना चाहिए, दूसरी बात आपका प्लेटर का अंडा टूटा ना हो, अगर टूट गया तो भी बेकार उनके लिए, खाते वक्त अंडे के छिड़के ना आए मुंह में, वो क्योंकि वो खा खा तो चेक भी कर रहे थे, और उनके जो स्टाफ थे अगर ज्यादा अच्छा लग रहा तो वो लोग भी चेक रहे थे क्या है बातचीत छपना की नहीं बना, उसी को नंबर दे रहे थे। नंबर इसी बेस पे दे रहे थे मतलब? हाँ सर, बस सर नंबर सर किसी को नहीं बता रहे, नंबर नहीं बता रहे हम लोग, उन्हें सर के पास चल गए सबको एक लाइन में, हम लोग को पहले तक पाया ताकि आप लोग जो डॉक्यूमेंट करा, बाकी लड़कों को उन्होंने एक कांस्टेबल तक बाहर भिजवा दिया, फिर के बाद हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट रह जा रहा है या नहीं दे पा रहा है तो उसको 7 दिन का समय दे रहे हैं कि आप आके अपना जाति लगा दो या अपना जो भी लगाना है आय लगा दो या कास्ट का लगा दो, जो भी लगाना है आप 7 दिन का समय दे रहे हैं, आप बनवा के लगा दो, ऐसा नहीं कि अब नौकरी नहीं मिलेगा, 7 दिन के अंदर आप लगा दो आके। सर आपको वीडियो से कोई हेल्प मिली सर हमारी वीडियो से? बहुत सर हेल्प मिली, बहुत हेल्प मिली, आपको नासिक का मैंने वीडियो देखा, आपको तो देखा सर, मैं गया था कि वहाँ आपने बताया कि नासिक में 50-60 पास कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ 50-60 पास नहीं कर रहे, उन्होंने टारगेट बनाया 20-20 लोगों को पास कर रहे हैं। एक दिन में क्या जितने लड़के हैं पास उनको पीजी करना है, स्किल टेस्ट में बाहर निकाल दे रहे, स्किल टेस्ट में सर सिर्फ मैं पास आउट अपने बैच से 22 लड़कों 20 लड़कों में, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है। हर बंदे को तो पास नहीं कर सकते ना, इस प्रकार से मोटिवेट करते रहेंगे तो बंदों का बिल्कुल निकल जाएगा, ऐसे सब बंदों का मोटिवेशन निकलना ही निकलना है, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप बहुत से लड़के ऐसे आ रहे थे जिन्होंने कभी मतलब आटा छुआ भी नहीं था, वो एकदम नहीं कर दिए थे बोलने की जगह उसको, तो उसको थोड़ी पास कर देगा वो, अब वो आके बाहर बोल रहा है कि समय ले दिया, धांधली हो रही है, अपने बंदे पास कर रहे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है, वो तो क्या है कि हर बच्चे का अपना अपना वो होता है देखने का नजरिया। अब आपको ऐसा कुछ नहीं देखा तो आप इस प्रकार से बोल रहे हो, तो नहीं कर सकते। अगर किसी ने किसी बंदे से वहाँ के स्टाफ से बात भी कर लिया, या पानी पीने कुछ भी मतलब जाकर 2 मिनट खड़ा बात करने का सोचने लगा सर क्या हो रहा है अंदर, तो लोग लगता है कि इसका तो जुगाड़ होगा लग रहा है, उसका ये 2 के 4 सिलेक्शन हो गया तो 100% ही हो गया उसका अंदर। वही सर, वहाँ
बाकी ऐसा कुछ नहीं, वो फालतू मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था, ऐसा कुछ टफ नहीं था उनका। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए।